ना सारा सारी चीज़ फुल बाल लगाएंगे। राम राम जी आप सभी को। तो अभी मेरा रूटीन थोड़ा सा चेंज हुआ पड़ा है क्योंकि मेरे बच्चों के चल रहे हैं हाफ ईयरली एग्ज़ाम। सो मैंने सुबह चली जाती है एग्ज़ाम देने और फिर जल्दी आ जाती है क्योंकि एग्ज़ाम टाइम है। तो वो सुबह लंच नहीं लेके जाती है, कहती है मम्मा मेरे को टाइम ही नहीं मिलता, तो मुझे कुछ मंच टाइप ही दे दिया करो, फ्रूट्स वगैरह। इसलिए मेरा थोड़ा सा रूटीन चेंज हो गया है, नहीं तो जो सुबह का जो अर्ली मॉर्निंग वाला टाइम होता है ना उसमें मैं समायरा की लंच की ही प्रिपरेशन करती हूँ। तो अभी आजकल से ऐसा नहीं कर रही हूँ, जब से उसके एग्ज़ाम स्टार्ट हुए हैं मैं उसको थोड़ा सा पढ़ाती हूँ। जिस दिन उसका एग्ज़ाम होता है उस दिन उसको जल्दी ही उठा देती हूँ आधा पौना घंटा पहले, क्योंकि सुबह में जो पढ़ाई हम लोग करते हैं ना वो आई थिंक ज़्यादा अच्छे से कर पाते हैं, याद ज़्यादा अच्छे से होता है, क्विकली याद हो जाता है। तो मैंने ये रात को दही जमा के रखा था, अभी मैं सुबह उठी हूँ तो सबसे पहले मैंने किचन में आके दही को ही अंदर रखा है, क्योंकि ये नहाने धोने के बाद ये दूध चलाने रखूँगी ना तो तब तक इसका टेम्परेचर नॉर्मल हो जाएगा, ना ज़्यादा ठंडा ना ज़्यादा गर्म। और यहाँ पर मैं सबसे पहले ही अपनी जो ड्रिंक ले रही हूँ वो है ल्यूक वार्म पानी, जो मैं आराम से पीऊँगी। साथ में समायरा भी उठी गई है, क्योंकि जब मैं उठती हूँ ना तो उसके हार्डली दस मिनट बाद मैं सारू को भी उठा देती हूँ और रात को बात बताती हूँ मिठू और मेरी क्या बात हुई थी। मैं और सारू दीदी बात कर रहे थे उस सुबह उठने के बारे में कि सारू मैं तेरे को सुबह 5 बजे उठा दूँगी। मिठू ने ये सुन लिया तो मिठू ने बोला कि मम्मा मुझे भी आप दीदी के साथ ही उठाना ताकि मैं भी अपनी पढ़ाई दीदी के साथ साथ कर लूँ। अब प्रॉमिस तो हो गया लेकिन मिठू जी उठी नहीं है, मैं उठा के कोशिश कर ली लेकिन उठी नहीं है। अभी बच्चे छोटे हैं ना, सुबह मुझे लगता है कि सुबह उठने का जो काम होता है ना वो ही हमारे दिन भर का सबसे बड़ा हार्ड चैलेंज होता है, उससे बड़ा मतलब मुझे नहीं लगता कोई चैलेंज होगा। कितनी भी आपको आदत पड़ जाए उठने की, लेकिन आपको जब उठने वाला टाइम होता है ना तब तो आलस आता ही आता है। गति चाल दिशा गुरु शीर्षक भारी अन समय मृत्यु तो यहाँ पर मैंने समायरा का मंच बॉक्स कर दिया है रेडी, जिसमें मैंने रखी हैं कुछ स्लाइसेस एप्पल की और ये हैं 2-4 मिठाइयाँ जो कि सारू लेकर आई थी। उसे ना मेरी सारू को मिठाइयाँ खाना बहुत पसंद है, तो खुद ही गई थी मिठाई लेने की, मम्मा मुझे ये मिठाई लानी है तो मेरे लंच में रख दिया करना। तो मैंने कहा जी ठीक है जैसा आप चाहें। और यहाँ पर मैं बच्चों के लिए निकाल रही हूँ मौसमी का जूस, फ्रेश निकालती हूँ साथ के साथ ना, मतलब जैसे अभी समायरा पिएगी तो मैं सारू के लिए निकाल दूँगी, जब मिठू उठेगी मिठू स्कूल जाएगी तब उसके लिए निकाल दूँगी, मतलब निकाल के नहीं रखती हूँ, क्योंकि जो जूस होता है ना उसको तो साथ के साथ निकाल के ही पियो वरना उसमें बहुत जल्दी से ही इन्फेक्शन हो जाता है। तो यहाँ पहले मैंने रात को कुछ मौसमियाँ निकाल के फ्रिज में रख दी थी ताकि वो ठंडी हो जाएँ और सुबह उसमें बर्फ़ डालने की ज़रूरत ना पड़े जूस में। यहाँ पे मैंने डाली थी एक रील छोटी सी ना इंस्टाग्राम पे, तो आप लोग पूछ रहे थे कि जूसर का मिक्स दो, तो ये वाला जो जूसर है हमारा बहुत पुराना है, आई थिंक 10 साल हो गए हैं, गरिमा की शादी में ही आया था ये। तो ये हैंडी वाला मैनुअल जूसर मुझे ज़्यादा अच्छा लगता है बजाय कि जो इलेक्ट्रिक जूसर होता है उसमें तो अंदर इतना ज़्यादा मतलब ये फंस जाते हैं ना फ्रूट्स के छिलके, उसे धोने का इतना सबसे बड़ा काम हो जाता है, ये मुझे बड़ा ईजी टू यूज़ लगता है। तो यहाँ पर एकदम फ्रेश हमारा जूस बनकर हो गया है रेडी। एक और बात मैं आप लोगों से शेयर करना चाहूँगी कि जब भी अपने बच्चों को या खुद भी कोई जूस पिए ना तो कभी भी मिक्स जूस ना पिएं, कोई एक पर्टिकुलर जूस पिएं, चाहे वो अनार का हो चाहे वो एप्पल का हो चाहे वो मौसमी का हो चाहे वो संतरे का हो, एक जूस पिएं, कभी भी उसको ऐड ना करें कि 3-4 फ्रूट आप एक साथ ऐड करके पी रहे हैं।
सॉरी बुडू बेटा बाहर चल, मैं कपड़े चेंज कर रही थी तो अचानक से बुडू की आवाज़ है, मैं डर गई मम्मी क्या क्या हुआ, उठ गई ना मेरे काम में करने लगी बेटी, चलो चलो बाहर। सुन तो मम्मा की चीजें हैं वो सारी, क्या हो गया? नहीं है मम्मा, मैं बाहर आई तो मैं अंदर थी, अचानक से गुड्डू की आवाज़ में डर गई, क्या वो रोने लग गई, मैंने उसकी तरफ देखा तो इतनी जोर जोर की हंस रही है नींद में, मैं इतनी हंसने लग गई। अभी सुबह? हाँ अभी। तो वीडियो में इतना छोटा दिखता है, वैसे तू इतना बड़ा है ना भाई। भैया ओ भैया तेरा कौन? ये मैं जब मेरे बाल होते हैं ना तब नहीं जाती, वरना फिर मैं भूती बन जाती हूँ। बाउंसी हेयर्स हो जाते हैं। चलो जो डोंट गेट लेट। वो कहाँ है कलर पेंसिल? वो कौन डलाने के लिए? कौन सी कलर पेंसिल? आ गई सारा टाइम हो गया बेटा। सुबह ये रात को करके सोना चाहिए ना सारा सारी चीजें। मैंने पढ़ाई करी थी। बाय। एक मिनट लेट भी नहीं होनी चाहिए, एक मिनट। अरे ना होरी ओ घन मत इतरावे, ना होरी कोई बात ना, बालक हैं ये। हाँ भी जगा कर रखो ना। मम्मा मेरा बोर्ड पता है बोर्ड। ये क्लोथ और ये तो पहले भी आया था मिठू, वी नीड शेल्टर है ना, कच्चा हाउस पक्का हाउस ये भी है। अब दोबारा ऐसे आ रहा है और क्या आएगा? क्लोथ क्लोथ फॉर अस फॉर अस। तो समय लगे जाते ही मैंने मिठू को उठाया, फिर उसे भी आधा घंटा पढ़ाया, उसका जीएसएम का फेयरली एग्ज़ाम था। तो वैसे तो बोल रही थी कि मम्मा मेरी सारी प्रिपरेशन है, लेकिन फिर भी हम मम्मा को डाउट ही रहता है ना कि पता नहीं बच्चे का कुछ छूट ना जाए। उनके एग्ज़ाम क्या होते हैं, हमारे एग्ज़ाम होते हैं। और यहाँ पर मैं मिठू की डिमांड पर बना रही हूँ मूली का पराठा। एक उसने बोला एक पराठा दो, तो मैंने एक पराठा दो पराठे वाला एक ही पराठा बना दिया। वो पेंसिल बॉक्स वगैरह सब रेडी है? क्यों नहीं है शार्प? चलो है अभी 5 मिनट्स, दो मेरे को शार्प करके ले जानी चाहिए ना। शार्पनर है इसमें? नर नटराज की रबर, सारू इरेजर मिठू और नटराज की ही पेंसिल। तो यही चाहिए नटराज। नटराज आता ही नहीं है अब, ये पता नहीं अप्सरा अप्सरा क्या क्या युवा पता नहीं क्या क्या चला दिए, उससे बेस्ट उसका कोई वो ही नहीं था यार। वो रेड कलर की होती थी, ब्लैक रेड रेड एंड ब्लैक स्ट्राइप्स होते थे उसमें। चल जल्दी करो जल्दी, चल सोनू भाई ले जाए इसे। पानी की बोतल रख ली बच्चे? लंच पूरा फिनिश करना है, एप्पल पूरे खाना। बाय बाय। हाँ एप्पल रखे हैं, ठीक है। बाय बाय, लव यू, टेक केयर, बेस्ट ऑफ लक। ओके यस, सी यू एट 1 o'clock। ओके नमस्कार माई YouTube फैमिली, कैसे हैं आप सब लोग? मैं उम्मीद करती हूँ सब लोग बहुत अच्छे से हैं, मैं भी बहुत अच्छी हूँ। तो मैं चेतना वशी स्वागत करती हूँ आप सभी का समायरा अधीरा और यहाँ के एक और न्यू व्लॉग में। तो आज है बुधवार और डेट है 20th, बच्चे चले गए हैं, बनू सो के उठी थी तो उसे मैंने भेज दिया मम्मी के पास, क्योंकि फिर वो मुझे काम नहीं करने देती बिल्कुल भी। तो मैं नहा धो ली हूँ, पूजा पाठ सब हो गई, अभी मैं जा रही हूँ नीचे नाश्ता करने। आजकल गरिमा ने 75 days चैलेंज लिया है, तो वो अपना नाश्ता खुद ही बनाती है और उसमें से थोड़ा सा मुझे भी दे देती है। तो ये है, चलिए इसी के साथ एक अच्छी सोच और एक फुल ऑफ एनर्जी वाला ब्लॉग मैं स्टार्ट करती हूँ आप सभी लोगों के साथ। और लाइक और सब्सक्राइब कर देना अगर आपको अच्छे लगते हैं मेरे व्लॉग्स। और सूट दिखाऊँ? आज मैंने मतलब मेरा फेवरेट कलर सूट पहना है, कैमरा टर्न करके दिखाती हूँ। आज मैंने पहना है ये प्योर ऑर्गेन्जा का सूट, जिस पर ऐसे थ्रेड वर्क और मोती वर्क हुआ पड़ा है। अच्छा लग रहा है ना, सिंपल सा सूट है गर्मी पहनने वाला। तो चलिए
माय डियर यूट्यूब फैमिली, स्टार्ट करती हूँ मैं ये वाला ब्लॉग आप सभी लोगों के साथ। तो जी मैं आ गई हूँ नीचे नाश्ता करने। आज गरिमा ने बनाया है नाश्ते में रवा उपमा, मौसमी का जूस और शकरकंदी सैलेड। आजकल गरिमा ने 75 डेज चैलेंज लिया है इंस्टाग्राम पे। वो रोज़ डे बाय डे अपना रूटीन फॉलो करती है इन अ 1 मिनट रील, जिसमें वो अपने पूरे दिन का शेड्यूल दिखाती है कि वो क्या एक्सरसाइज कर रही है, क्या डाइट ले रही है, उसी के अकॉर्डिंग वो अपना हेल्दी फूड बनाती है। तो नाश्ता भी आजकल वो खुद ही बना रही है 8-9 दिन से, जब से उसका ये चैलेंज चला है। तो जो भी वो नाश्ता बनाती है उसमें थोड़ा सा नाश्ता वो मेरे लिए भी बना के, मम्मी के लिए भी बना के रख जाती है कि तुम लोग भी हेल्दी खाओ। मुझे वैसे बहुत कम आदत है नाश्ता करने की, लेकिन आजकल गरिमा बना के जाने लग गई है तो हम भी आजकल हेल्दी नाश्ता ही कर रहे हैं। नाश्ता स्किप नहीं होता मेरा खासकर। मैं नाश्ता करके आ गई हूँ नीचे। सुबह की उठती हूँ ना तो 10-10:30 बजे तक नाश्ता करने के बाद इतनी गहरी नींद आती है, मन करता है सारे काम छोड़ो और अपना सो जाओ, बट पॉसिबल नहीं है ना, एक कोई टाइम थोड़ा ना होता सोने का। अभी हो रहे हैं 10:30, तो कैसे सो जाए अभी तो ये भी नहीं उठे, सो गए उठेंगे नहीं, चाय वाय बनाऊंगी। बहुत तेज़ नींद आ रही है, बहुत तेज़, क्योंकि मैं रात को भी लेट सोई थी, किसी से फ़ोन पे बात करते करते वही मतलब टाइम हो गया और सुबह फिर मैं करेक्ट 5 बजे उठ गई। खूब लगती हो, बड़ी सुंदर दिखती हो, डांस करो। हाँ ओहो क्या हो गया, खड़े हो जाओ। अच्छा सॉरी नहीं गा रही, गाना नहीं गा रही बेटा, तेरी माँ इतना बुरा थोड़ी ना गाती है। लो मम्मा का हैंड पकड़ो, खड़े हो जाओ। गड़प 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 गड़प, क्या हो गया है? लो वॉच पहन लो, पहन लो। अच्छा चलो खड़े हो जाओ, खड़े हो। नहीं गा रही मम्मा गाना, नहीं गा रही, ड्राइंग चलाई। क्या गोदी लूं? मैं नहीं ले रही, मैं तो जा रही हूँ बाहर। ओए 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 ओए, चलो डैडा से मिल के आते हैं, बोलो डैडा से मिल के आते हैं। डैडा कहाँ है, आवाज लगाओ डैडा को, बुलाना इसे जरा। काला अपना भालू लाया, काला अपना भालू लाया, चल रेखा आई, पूजा आया, भोलू आया, हर्ष आया, भीड़ लगी भीड़ लगी, डम 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 रू बजा, कालू का भालू नाचा, कालू का भालू नाचा, आया आया काला अपना भालू लाया, भीड़ लगी भीड़ लगी, डम 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 रू दो। तो आप लोग पूछते हो कि सुबह बच्चे जाने के बाद, नहाने धोने के बाद, नाश्ता करने के बाद मेरा जो बीच वाला टाइम होता है उसमें क्या करती हूँ? तो उसमें बुनू को नहलाना धुलाना, उसे रेडी करना, उसके साथ थोड़ी देर खेलना, जो मेरे कोलैब्स वाली रील्स होती हैं वो बनाना। तो भैया काम तो बहुत ज़्यादा है। उसके बाद फिर मैं अपने लंच की तैयारी में लग जाती हूँ। आज लंच में बना रही हूँ बच्चों के लिए सांभर राइस। तो ये वाले जो सांभर की रेसिपी है ये तो मैंने बहुत बार शेयर करी है। आज घर में कुछ स्पेसिफिक कोई सब्ज़ी नहीं थी, जो भी घर में सब्ज़ी अवेलेबल थी ना वो सारी मैंने इसमें डाल दी, जैसे कि बैंगन हो गया, प्याज हो गई, पेठा हो गया, घिया हो गया, बीन्स की जो फलियां होती हैं, बीन्स होती हैं, वो सारी जितनी भी सब्ज़ियां थी ना वो अरहर की दाल के साथ मैंने 8-9 सीटी लगा दी हैं, बिल्कुल जैसे पतला सा सूप तैयार होता है ना वो, ये पक्के तैयार हो गई है मेरी दाल अरहर की विद ऑल वेजिटेबल्स। वेजिटेबल इतने अच्छे से घोट दो कि बच्चों को पता ही ना चले कि आखिर मम्मा ने इसमें क्या क्या, पूरी हिडन रेसिपीज़ होती हैं हमारी ना ये कुछ, और उनमें से एक सांभर है। तो और इतने खुश हो गए बच्चे खाते हैं ना कि मैं बता नहीं सकती। तो यहाँ पर बन गया है सांभर, चावल पहले ही बना दिए थे। मतलब टीवी की इतनी ज़्यादा लग रही है कि खाना याद नहीं आ रहा, तुम्हारा फेवरेट खाना बना दिया है, जब ये हाल है जल्दी खाओ खाना पहले। और ये तो दोनों यहाँ रुनिया झुनिया नीचे बैठी हैं क्योंकि तुम ऊपर बैठने के लायक नहीं हो, दोनों पूरा गंदा कर देती हो। ये क्या आ रहा है शूज के साथ खाना? बैड मैनर्स, साइड में रखो, नो साइड में रखो, बोलो शूज रखो साइड में, मम्मा को लो ऐसे नहीं करते।
का मैंने भी खा लिया, बस पड़ी रहती है। और आप पिछले वाले ब्लॉग पे ना किसी ने एक कमेंट किया था कि आप इतनी थोड़ी सी सब्जी बनाते हो और आप कहते हो कि आपके घर में इतने सारे मेंबर्स हैं तो इतनी थोड़ी सी सब्जी सबके लिए पूरी हो जाती है। थोड़ी सी नहीं होती भैया, मेरे घर में कटोरा भर भर के नहीं खाते, छोटी छोटी कटोरियों में सब्जी खाते हैं। और मैं हमेशा दो सब्जियां बनाती हूँ, एक सूखी सब्जी एक ग्रेवी वाली। जैसे आज बनाया है सांभर, तो सांभर के साथ कोई सूखी सब्जी अच्छी नहीं लगती, ना कोई खाता, इसलिए मैंने सांभर ज़्यादा क्वांटिटी में बनाया है। तो ऐसा कुछ नहीं है, कोई भी भूखा नहीं मरता मेरे घर में, सबको खाना मिलता है। तो माय डियर यूट्यूब फैमिली, ये था मेरा आज का व्लॉग। आई होप आप लोगों को भी मेरा व्लॉग अच्छा लगा होगा। और मैं मिलूंगी आपको अपने नेक्स्ट व्लॉग में, यानी कि कल भी एक व्लॉग आएगा, और उससे पहले मैं ये वाला व्लॉग करूंगी एडिट, फटाफट से अपलोड करूंगी और कल दोबारा से एक न्यू व्लॉग बनाऊंगी और आप लोगों के साथ शेयर करूंगी। तो कमेंट करना अच्छे अच्छे, खुश रहना मेरी तरह, नो मैटर व्हाट। बस तो चलिए, हमें मिलती हूँ आपको अपने नेक्स्ट व्लॉग में। तब तक के लिए अपना ध्यान रखें, सुरक्षित रहें, स्वस्थ रहें और मस्त रहें। बाय बाय, टेक केयर, आई लव यू ऑल, बाय।